सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी दुनिया को और पाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। Hey guys, मैं हूं के टेक्नोलॉजी दुनिया से और आज आपका इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट्सएप के कुछ नए अपडेट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं नए अपडेट्स के बारे में। तो इन फीचर्स के कुछ फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको बीटा टेस्टर बनना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि बीटा टेस्टर कैसे बनते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा। दोस्तों बीटा टेस्टर बनने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर व्हाट्सएप लिखना है, व्हाट्सएप को खोलना है और उसके बाद एट द बॉटम ऑफ द पेज आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। स्क्रॉल डाउन आप जब करोगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि बिकम अ बीटा टेस्टर करके लिखा होगा। वहाँ पर आपको IMN पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना होगा। ज्वाइन करने के बाद आप बीटा टेस्टर बन जाओगे। उसके बाद फ्यू मिनट्स बाद आपको अपडेट आएगा और अपडेट कर लेना है आपको, और उसके बाद आप व्हाट्सएप का बीटा वर्जन आसानी से यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आपके फ़ोन पर कोई भी न्यू नंबर से SMS या मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, तो यहाँ पर आसानी से जान सकते हो कि किसने आपको मैसेज किया है अगर उन्होंने अपना नेम दे के रखा है अकाउंट नेम में। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि ये मेरा नंबर है तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि अंकित शर्मा का ये नंबर है। तो इसी तरह से आप जान सकोगे कि किसने आपको मैसेज किया है। दूसरे अपडेट की बात करें तो ये दूसरा अपडेट ये है कि आप अब किसी के भी DP को जूम इन करके देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो साइड में आपको दिख रहा होगा कि आप किसी के DP को भी जूम इन करके आसानी से आप देख सकते हो। दोस्तों अगर तीसरे अपडेट की बात करें तो तीसरा अपडेट थोड़ा पुराना है लेकिन फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं और आपको कोई ऑडियो आया है, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑडियो है और इस ऑडियो को मुझे सुनना, और अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप ये ऑडियो नहीं सुनाना चाहते हो या फिर आप ऐसा इसे शांति से सुनना चाहते हो, तो आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको ऑडियो को प्ले करना है और कान के पास लगा लेना है। तो यहाँ पर से ऑडियो आउटपुट निकलने लगेगा और आप आसानी से उस ऑडियो को सुन सकते हो दोस्तों। अगर चौथे फीचर के बारे में बात करते हो, चौथा फीचर ये है कि आप आसानी से APK अपने व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले ऐसा फीचर नहीं था कि आप APK अपने व्हाट्सएप से किसी दूसरे लोगों को भेज सकते हो दोस्तों। वहाँ पर आपको फॉर्मेट चेंज कर भेजना पड़ता था, लेकिन आप आसानी से APK ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टाइप आ मैसेज के बगल में आपको पिन मिलेगा, आप पिन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट में जाकर आप APK सेलेक्ट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के पाँचवें फीचर के बारे में। दोस्तों पाँचवा फीचर ये है कि पहले आपको किसी भी लेटर को बोल्ड करने के लिए उसके आगे स्टार मार्क ऐड करना पड़ता था और उसके एंड में स्टार मार्क ऐड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर इसको इजी बना दिया है व्हाट्सएप ने। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको बस करना ये है कि इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी फॉर्मेट चूज़ करना है, जैसे कि बोल्ड करना है मुझे तो मैं बोल्ड कर दूँगा। उसके बाद मैं अगर इसे फिर से लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर से, और सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं इसे इटैलिक भी कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट करके मैं इसे स्ट्राइक थ्रू भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं अगर इस सेंटेंस को लिखता हूँ और इसे फिर से सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसे मोनो स्पेस भी कर सकता हूं। तो इसी तरह से इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सएप के छठे फीचर के बारे में। अगर छठे फीचर के बारे में बात करें तो यहां पर आपको इमोजी साइन पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको अब दिख रहा होगा कि यहां सर्च का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप आसानी से आप इमोजी सर्च कर सकते हो, जैसे कि यहां पर किसका कर सकते हो, ओके, उसके बाद यहां पर सर्च में स्माइल का कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी स्माइल के फेसेस होंगे वो आपको बन के आ जाएंगे, और यहाँ पर आप आसानी से अब इमोजीज भेज सकते हो। अगर आपको इमोजीज मिलते नहीं हैं तो आप यहाँ पर सर्च करके भेज सकते हो। सातवें फीचर के बारे में बात करूँ तो ये थोड़ा सा माइनर डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट अपडेट है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मैं इसे कहीं भी कॉल लगाता हूँ तो कॉल लगाने के बाद कैसा डिज़ाइन आता है आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखेगा, अगर मैं इस नंबर पर कॉल लगाता हूँ तो इस तरह का इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा दिखता है, और अगर वीडियो कॉल लगाता हूँ तो वीडियो कॉल में इस तरह का इम्प्रूवमेंट दिखता है दोस्तों।
तो ये थोड़ा माइनर अपग्रेड था, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है इसमें। और जितने अपडेट्स थे, जितने भी फीचर्स थे, मैंने आपको बता दिए। और अगर आप बीटा टेस्टर बनना चाहते हो तो आप बन जाओ, क्योंकि तभी आप इनमें से कुछ फीचर्स को यूज़ कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव रह गया दोस्तों तो आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो या हमें बता सकते हो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।